हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान टेक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों की प्रचलन को 1 जून से मंजूरी दे दी है। विभिन्न स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इन ट्रेनों के लिए रेलवे टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए हैं। रेलवे के इन ट्रेनों की प्रचलन के साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई है कि केवल रिजर्वेशन ट्रेन ही चलेगी, यानी केवल उन यात्री को ही ट्रेनों में सफ़र करने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट है। इन ट्रेनों के लिए IBR ने कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप ऐप ऑन करोगे या इसके वेबसाइट पर जाओ लॉगिन करोगे तो आपको वो 200 ट्रेनों की लिस्ट मिल जाएगी जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, ये मेरा ऐप है तो आप देख सकते हो, ये है वो 200 ट्रेनें जो कि अब चलेगी 1 जून से, मतलब कि चल रही हैं जो। तो दोस्तों, ये उनकी लिस्टें हैं, आप देख सकते हैं इसमें से जो भी आपको अगर कहीं ट्रैवल करना हो इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पूरे 200। अब मैं आपको बताता हूँ बुकिंग करनी कैसे है। तो नॉर्मली दोस्तों, आपको अपना ऐप ऑन करना है। यहाँ आपको माई अकाउंट दिख रहा है, यहाँ क्लिक करोगे तो इसके लिए आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। तो मैंने तो जैसे पिन सेट किया हुआ है तो मैं अब इस पे अपना पिन डाल लूँगा, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, इसे अपना पिन डाल के लॉगिन कर दिया मैंने, या अब लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है तो टाइम ले रहा है। तो दोस्तों, बस ये लॉगिन होते ही अब आप देख सकते हो ये लॉगिन हो रहा है। तो कुछ इस तरह का अब आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लॉगिन होने के बाद आप माई प्लान माई जर्नी पे क्लिक करके, अब मैं मान लो सपोज़ सहारनपुर टू नई दिल्ली की टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं सहारनपुर टू नई दिल्ली डाल के इस पर सर्च ट्रेन में कर देता हूँ। मैं देख सकता हूँ इसमें कोई ट्रेन इस रूट की चल रही है या नहीं। तो इसके बाद ट्रेन सर्च हो जाएंगे तो ये लिस्ट है उन ट्रेनों की जो कि इस रूट से होकर आ रही और जा रही हैं। तो इनमें से दोस्तों, अगर मैं जिसमें चाहूँ बुकिंग कर सकता हूँ, ऐसे ही आप भी कर सकते हो जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है। तो आप देख सकते हो, पर यहाँ जर्नल अब आपको कहीं भी जर्नल में ट्रैवल करना अलाउ नहीं है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास, तो इन बॉक्स इन्हीं में आप अब ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बता देता हूँ कि एक ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो। तो इनमें से जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, सभी वेटिंग लिस्ट में है, कोई भी कंफर्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं बस आपको बुक करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक कर लेता हूँ सेलेक्ट। इसमें आप देख सकते हो जो हमारा बेस फेयर है वो 200 रुपये, और रिजर्वेशन फीस हमारे जो चार्जेस हैं वो 20 रुपये, सुपर फास्ट के 30 रुपये। इस तरह से हमारे टोटल 250 रुपये इतनी दूर के लगेंगे। अब जैसे हम बुकिंग नाउ पे करेंगे, एक ऑप्शंस आता है, इस ऑप्शंस को ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये क्लासेस है तो इसमें आप देख सकते हो अलाउ का ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, अपनी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। पर्सनल डिटेल फिल्स करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे करना है। यहाँ दोस्तों, जैसे मेरे फॉर्म में अभी कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कहीं पे एड्रेस डालना है जो कि मैंने सही नहीं डाला, या फिर वो बॉक्स खाली रह गया है। तो दोस्तों, अगर किसी भी तरह की गलती होगी तो ये कंफर्म आगे नहीं करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना BPO डालना भूल गया था, मतलब पोस्ट ऑफिस जो नियर बाय मेरे लगेगा, तो अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये इस तरह का आपका एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस टू पे, आपको प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा,
उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का आ जाएगा, इसे यस कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही अब इसमें वॉलेट ऑप्शन से आप किस तरह से पेमेंट करोगे वो मेथड यूज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर वॉलेट से करना है मतलब पेटीएम वगैरह से तो वॉलेट, और अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करोगे तो मल्टीपे। तो मैं वॉलेट से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे तो टिकट बुक करनी नहीं है, मैं आपको बस यहाँ तक दिखा सकता हूँ, इतने ऑप्शन से आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से ट्रेन की अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।